नमस्कार साथियों, आज वीडियो के इस पार्ट में मैं आपसे NDPS एक्ट के संदर्भ में आरोपी से जुड़ा हुआ एक अधिकार शेयर करूंगा। साथियों, आरोपी को ये अधिकार है NDPS एक्ट के अंतर्गत कि अगर पुलिस के पास जो टाइम है चार्जशीट जमा करने का, इन्वेस्टिगेशन करने का, अगर पुलिस ने टाइम पे इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीट नहीं किया और चार्जशीट कोर्ट में जमा नहीं किया तो आरोपी को बाय डिफॉल्ट बेल मिलना चाहिए। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कितने दिन का टाइम होता है, तो कैलकुलेशन किस तरीके से होता है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या टिप्पणी की है, और इसके अलावा आपको कुछ जनरल रूल बताऊंगा जिसके आधार पे आप कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और आप जो अपना अधिकार है इसको कोर्ट से अवेल कर सकते हैं। तो साथियों, मेरे पास इससे जुड़े हुए कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि ये इसमें की इसकी प्रक्रिया क्या होती है, हमें कोर्ट में बेल एप्लीकेशन कब फाइल करना होता है, हमें किस सेक्शन के अंतर्गत फाइल करना होता है, हमें कब फाइल करना होता है, और इसमें मजिस्ट्रेट के पास डिस्क्रिशनरी है ये पावर है, मैंडेटरी पावर है, और ये कोरोना का पैंडेमिक कोरोना टाइम चल रहा है अभी, तो क्या इस टाइम भी हमारा जो राइट है वो रहेगा या नहीं रहेगा। तो आपको इससे जुड़े हुए आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा मैं। साथ ही सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं कि आखिर किस तरह का अधिकार है। साथ ही हमारे CRPC के सेक्शन 167(2) और NDPS एक्ट के सेक्शन 36(a)(4), यहाँ पे चूंकि मैं आपसे NDPS एक्ट के संदर्भ में चर्चा कर रहा हूँ इसलिए मुझे इस सेक्शन का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि इस सेक्शन में NDPS के एक्ट में इन्वेस्टिगेशन करने और चार्जशीट को जमा करने के लिए जो टाइम लिमिट है वो बाकी जो दूसरे ऑफेंस हैं उनसे कुछ अलग है। तो इसलिए इसमें 167(2) और NDPS एक्ट के सेक्शन 36(a)(4) के अंतर्गत ऐसा जो इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि पुलिस के पास 180 डेज का टाइम रहता है, उस दौरान पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर सकती है और कोर्ट में उसको चालान जमा करना होगा, चार्जशीट जमा करनी होगी। और अगर 180 दिन के अंदर कोर्ट में वो चार्जशीट जमा नहीं करते हैं तो आरोपी के पास ये अधिकार होता है कि आरोपी कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, वो भी 167(2) CRPC और NDPS एक्ट के सेक्शन 36(a)(4) के अंतर्गत, और उस व्यक्ति को कोर्ट बेल ग्रांट करेगी। अब साथियों, इसके लिए जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल था, लोगों ने मुझसे पूछा कि 180 डेज का जो कैलकुलेशन है वो किस तरीके से किया जाता है। कुछ लोगों को ऐसी गलतफहमी रहती है कि पुलिस ने जिस दिन हमें पूछताछ के लिए बुलाया है, कि अमूमन क्या होता है कि पुलिस ने मान लीजिए किसी व्यक्ति को आज गिरफ्तार किया है और पुलिस ने अभी FIR दर्ज नहीं किया, पुलिस ने FIR दर्ज किया 2 दिन बाद, उसके बाद उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया कुछ दिन बाद, तो उसका जो ये जो टाइम है उसको इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। तो साथ ही इस बारे में जो फैक्ट है कि जिस दिन कोर्ट आरोपी को जुडिशल कस्टडी के लिए भेजती है उस दिन का काउंट नहीं किया जाएगा, वो दिन काउंट नहीं किया जाएगा, उसके अगले दिन से 180 डेज का कैलकुलेशन होगा। अब पुलिस के पास टाइम रहता है कि उस जो अगला दिन है वहाँ तब से लेकर 180 दिन के अंदर पुलिस कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दे, और अगर 180 दिन के अंदर पुलिस कोर्ट में चार्जशीट फाइल नहीं करती है, और दूसरा कंडीशन है कि उसका और प्रोसिक्यूटर के द्वारा ऐसा कोई कोर्ट से रिक्वेस्ट भी नहीं किया जाता है कि चूंकि इन्वेस्टिगेशन में ये प्रॉब्लम आ रही है या फिर अभी कुछ नया फैक्ट है या फिर कोई नया केस दर्ज हुआ है उस व्यक्ति के ऊपर, तो उस तो पुलिस को टाइम चाहिए। अब ना तो पुलिस ने 180 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल किया और ना ही प्रोसिक्यूटर ने, जो प्रोसिक्यूशन है उसने कोर्ट में कोई एप्लीकेशन फाइल किया, कोई रिक्वेस्ट किया कोर्ट से कि उसका जो टाइम है एक्सटेंड किया जाए इन्वेस्टिगेशन करने का और चार्जशीट जमा करने का। हाँ, ये जरूर है कि अगर वो व्यक्ति, अगर जो प्रोसिक्यूशन है वो अगर वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगा तो कोर्ट उसको 1 साल तक के लिए एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन अगर पुलिस ने ना तो इन्वेस्टिगेशन के लिए की जो चार्जशीट है वो जमा किया है और ना ही प्रोसिक्यूशन ने रिक्वेस्ट किया, तो उस कंडीशन में 180 दिन भी बीत जाने के बाद आप अगले दिन ही आप इस बिल को इस सेक्शन के अंतर्गत बेल प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं। अब साथियों, इससे जुड़ा हुआ जजमेंट है, ये है रवि प्रकाश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के नाम से है। इसमें ऐसा बताया गया है टाइम कैलकुलेशन के बारे में कि आप अगर लास्ट प्लान देखेंगे तो द डे ऑन विच एक्यूज्ड वाज़ टू जुडिशियल कस्टडी हैज़ टू बी एक्सक्लूडेड एंड द डे ऑन विच चालान चार्जशीट फाइल्ड इन द कोर्ट हैज़ टू बी इंक्लूडेड। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि 180 दिन की गणना कब होगी। साथियों, मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आप इस तरीके, अगर आप ये बाय डिफॉल्ट बेल लेने के लिए अगर आप कोर्ट एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो आप मंथ के जो डेज होते हैं उनका कैलकुलेशन सही तरीके से करें। आपको ये देखना पड़ेगा कि किस महीने में 30 दिन है, किस महीने में 31 दिन है, किस महीने में 28 दिन है, आप उनको एग्जैक्ट काउंट करने के बाद ही आप कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल करें। अब साथियों, जो इससे जो होगा कि दूसरा सवाल था लोगों का
कि अगर हमने बेल एप्लीकेशन फाइल कर दिया है और हमारे बेल एप्लीकेशन फाइल करने के अगले दिन पुलिस ने चार्जशीट फाइल किया है लेकिन हमारा जो बेल है वो पेंडिंग है, बेल पे अभी मजिस्ट्रेट ने कोई डिसीजन नहीं दिया। तो साथियों इस बारे में ऐसा है कि अगर आपने बेल पहले फाइल कर दिया है और पुलिस ने चार्जशीट अगले दिन फाइल किया है तो यहाँ पर आपका जो राइट है वो अप्रूव रहेगा, आपका राइट रहेगा और मजिस्ट्रेट को वहाँ पर आपको बेल दे देना चाहिए, क्योंकि आपके बेल फाइल करने के बाद पुलिस ने वहाँ पे चार्जशीट फाइल किया है। इससे जुड़ा हुआ एक जजमेंट भी है साथियों, ये है उदय मोहनलाल आचार्य वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें ऐसा बताया गया है, इस पूरे जजमेंट का जो इंटरप्रिटेशन है उसमें कुछ ऐसा है कि आपके पास जो टाइम लिमिट है, और दूसरा ये है कि इसमें ये जो वर्ड यूज किया गया लास्ट में कि द मोमेंट ही फाइल एप्लीकेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड ऑन बेल एंड ऑफर टू बी वेड बाय द टर्म एंड कंडीशन ऑफ बेल, इसका मतलब ये है कि जब आप कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो तो आप अगर कोर्ट की जो कंडीशन है इसको अगर आप मानने के लिए तैयार हैं और आप बेल फर्निश करने के लिए तैयार हैं तो कोर्ट आपको बेल ग्रांट करेगी। अब इसके बाद साथियों जो अगला सवाल था, ये मैंडेटरी प्रोविजन है, मीन्स कि ये कोर्ट के लिए, कोर्ट इसमें से विचार कर सकती है क्या, या फिर कोर्ट का विवेकाधिकार रहेगा, या फिर ये मैंडेटरी है मीन्स कंपलसरी है। तो साथियों इसके लिए ऐसा है कि ये मैंडेटरी प्रोविजन है कोर्ट के लिए। देखिए हमने देखा है कुछ मजिस्ट्रेट कोर्ट में रिजेक्ट भी कर देते हैं इस एप्लीकेशन को इस आधार पर कि ये डिस्क्रिशनरी है, लेकिन इस बारे में अगर हम देखें तो मैं आपको कुछ जजमेंट भी बताऊँगा इसके लिए कि ये एक्चुअल में ये मैंडेटरी प्रोविजन है। ये जो जजमेंट है मैं आपको बता रहा हूँ उसका जिक्र मैं आपसे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कर दूंगा और स्क्रीन पर भी आपको दिख जाएगा कि मैंडेटरी प्रोविजन, देखो क्योंकि जजमेंट बड़ा है इसलिए हो सकता है कि स्क्रीन पे आपको जेंटली समझ में आया, तो आप बेहतर होगा तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस जजमेंट का जिक्र करता हूँ, आप पूरा जजमेंट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें जो साथ ही ये मैंडेटरी प्रोविजन है, मैंडेटरी प्रोविजन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो आपको संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उनके अंतर्गत ये उसका एक इंटीग्रल पार्ट है, और जिस तरीके से हमारे कानून बताया गया है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज पर्सनल लिबर्टी और लाइफ अनलेस एक्सेप्ट द प्रोसीजर एक्सप्लेन इन अवर लॉ, तो उसके हिसाब से कि उसका दुरुपयोग ना हो, क्योंकि कानून में तरीके से ये एक पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए एक टाइमलाइन बताई है कि अगर उस टाइमलाइन के बाद अगर वो तक चार्जशीट जमा नहीं करते हैं कोर्ट में तो एक प्रकार से ये आरोपी के जो अधिकार हैं उनका उल्लंघन होगा। तो साथियों इस तरीके से ये आप कह सकते हैं कि मैंडेटरी प्रोविजन है, और मैं जिस जजमेंट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करूँगा तो आप उस जजमेंट का, अगर आप कहीं बेल एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो आप उस जजमेंट का जिक्र कर सकते हैं वहाँ पे, उसमें ऐसा बताया गया है कि ये मैंडेटरी प्रोविजन है। अब इसके बाद जो अगला सवाल था साथियों कि कोरोना पैंडेमिक में भी क्या इस तरह का, जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है अभी, तो इस टाइम भी क्या पुलिस के पास टाइम वही है 180 डेज का, या फिर चूँकि निश्चित तौर पे लॉकडाउन है हर कुछ बंद है तो क्या इस टाइम भी पुलिस के पास टाइम इसका 180 डेज का ही भी है, या फिर पुलिस और भी टाइम ले सकती है। तो साथियों लास्ट ईयर 2020 में इसका जजमेंट था, ये था एस काशी वर्सेस स्टेट थ्रू द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, ये मदुरई का था, और इस पर अगर आप लास्ट में देखेंगे तो इसमें लास्ट जो लाइन है कि द राइट ऑफ द एक्यूज टू बी सेट एट लिबर्टी टू टेक प्रोसीजर ओवर द राइट ऑफ द स्टेट टू कैरी ऑन द इन्वेस्टिगेशन एट सबमिटेड चार्ज शीट, इसमें ऐसा बताया गया है कि ये जो राइट है 180 डेज का वो बना रहेगा, पुलिस के पास वही टाइम है, पुलिस को उसी टाइम के अंतर्गत चार्जशीट फाइल करना पड़ेगा, और अगर पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं करती है तो आपका जो बाय डिफॉल्ट बेल का अधिकार है वो बना रहेगा। उसके बाद साथियों जो अगला था, कुछ लोगों ने एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी किया था कि मान लीजिए कि आपका जो बेल बाय डिफॉल्ट बेल लेने का जो अधिकार है, मान लीजिए कि वो आपका आज से शुरू हो रहा है, कल 180 दिन पुलिस के ये जो टाइम था पुलिस के पास वो कंप्लीट हो गया है, आपका अधिकार आज से शुरू हो रहा है, अब लेकिन आपने बेल एप्लीकेशन फाइल नहीं किया 167(2)(36A)(4) ऑफ इंडिकेशन एक्ट के अंतर्गत, अब पुलिस ने 2 दिन बाद चार्जशीट फाइल कर दिया, लेकिन आपको जब इस बात की जानकारी हुई कि अरे ऐसा हुआ है उस, तो पुलिस की चार्जशीट फाइल करने के बाद आपने बेल एप्लीकेशन फाइल किया है, तो साथियों आपका जो राइट है ये एक्सटिंग्विश हो जाएगा, आपका जो राइट है ये नहीं रहेगा, क्योंकि आपने पुलिस की, आपको जिस दिन 180 दिन कंप्लीट हो रहा है और पुलिस ने चार्जशीट
टेस्ट किया उसके पहले ही आपको वेरिफिकेशन फाइल कर देना चाहिए। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे। तो मैं आपको दो महत्वपूर्ण फैक्टर को फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि आप 180 दिन की जो काउंटिंग है वो कर लें और उसके अगले दिन मॉर्निंग में ही 11-12 बजे बेल लगा दें, ताकि उसके बाद अगर पुलिस चार्जशीट फाइल भी करें तो आप आर्गुमेंट कर सकें कि नहीं आपने पहले बेल लगा दिया हुआ है। उम्मीद है साथियों कि आपके लिए ये वीडियो फायदेमंद होगा और आपके मैं आपको NDPS केस से जुड़े हुए कुछ और भी नए फैक्ट और आप लोगों के सवालों के आधार पर मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और अगर आप लोगों को कुछ सवाल हैं तो आप निश्चित तौर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे वीडियो को अपलोड करने से आपका नोटिफिकेशन प्राप्त हो और मेरा भी मोटिवेशन बना रहे कि हाँ आप लोग वीडियो को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरा भी हौसला बना रहेगा और मैं भी आप लोगों को इस तरह की जानकारी प्रदान करता रहूँगा। धन्यवाद सर।